तो वहीं चित्रकूट में खबर है कि दैनिक वेतन कर्मियों ने प्रभारी वन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कलेक्ट्रेट में जमकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रभारी वन अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है, जिसको लेकर दैनिक वन कर्मियों ने प्रभारी वन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मामले की जांच कर प्रभारी वन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो पूरा मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का है, जहां प्रभारी वन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कलेक्ट्रेट में जमकर धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद मामले में कार्रवाई करने की भी मांग लगातार की जा रही है। दैनिक वेतन कर्मचारियों ने ये प्रदर्शन किया है और प्रभारी वन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अन्नू मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अनु मिश्रा, जिस तरह से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, कब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, मामला चित्रकूट का है, जहां दैनिक वेतन कर्मियों ने प्रभारी वन अधिकारी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते चित्रकूट जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है और साथ जी ही वन अधिकारी को नियमों में ताक में रखकर सेवानिवृत्त वन कर्मियों को विनियमितीकरण पैसा लेने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। और साथ ही चित्रकूट जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन के बाद उन्होंने कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन करने का भी प्रशासन को चेतावनी दिया हुआ है। जी अनु, पुलिस प्रशासन ने इस पर अब तक क्या एक्शन लिया है? जी, पुलिस प्रशासन इस पे जो है जांच कर रही है और जांच करके चित्रकूट डीएम ने खुद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि जांच के बाद जो भी सामने आता है उस पे कार्रवाई की जाएगी। जी अनु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।